Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. Today we will identify one of the indoor plant which you can see in this video. This is known as Christmas trees. Another name is Norfolk pine tree or Aurelia or monkey puzzle tree. This is all about the name of this plant. This is basically a gymnospermic plant. We know the characteristics of gymnospermic plant. They do not produce flower and their seeds are naked. If we talk about the leaves of gymnospermic plant, we can see its leaves are branched, sessile, or it's covered all the shoots. And its leaf, if we see, its leaves are needle-like. You can see. And its shoots are straight. अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है, 150 ईयर. और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 30-40 फीट तक हाइट आ जा सकता है इसका, और 1.2 से 1.5 तक इसका विड्थ चौड़ाई भी हो सकता है. लेकिन अगर इसे हम लोगों ने गमले में रखा है तो इसके हाइट को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट में हम इसे रखेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है. ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है. और इसके अगर सॉइल की बात करें तो इसका सॉइल जो होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए और इसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए. अगर इसे हम लोगों घर में रखते हैं तो इसमें जो है हम लोगों को वाटरिंग जो करना है वो 4 से 5 दिनों में करना है. ना ज़्यादा ओवर वाटरिंग करना है ना कम वाटरिंग करना है. ये आपका क्या है, एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है और हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देता है. सो ये तो होगी कुछ इसकी बातें जो कि आज हम लोगों ने देखा. हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स कितना इम्पॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को अपने घर में एक प्लांट्स तो कम से कम जरूर लगाना चाहिए, चाहे उनका बर्थडे हो या उनके लिए कोई भी स्पेशल डे हो. सो वी हैव टू प्लांट वन ट्री एट लीस्ट. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक. And also subscribe if you are new to my channel. Thank you.